Press the bell icon of the E-Parshala channel and never miss another update. So, welcome back student, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे E-Parshala के चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कर रहे थे अपनी क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल, जिसका अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 द ब्राउनिंग वर्जन। और ये बुक हमारी बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर और बचा है हमारे पास करने के लिए, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ 7 चैप्टर्स आ रहे हैं और पोएम्स हम आपको इस साल प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ गए। ज़्यादा ध्यान आप लोग इस चीज़ पर दीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर देखते हैं क्या है। तो इसके ऑथर का नाम है सर टेरेंस रेटिगन, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ये एक प्लेरिट हैं, ये मेनली जो हैं प्लेरिट, मतलब मैं आप लोगों को बता दूँ, प्लेरिट होते हैं जो एक प्ले होता है, नाटक होता है, उसको लिखने वाला इंसान। तो ये नाटक लिखते थे, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये भी एक नाटक है, एक प्ले है जो इस चैप्टर में हमें दिखाई गई है। तो आइए देखते हैं आगे इस नाटक में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और कैसे प्रेजेंट हुई हैं। चैप्टर का नाम द ब्राउनिंग वर्जन हमने पहले पढ़ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो ये चैप्टर है मेनली किसके ऊपर, एक लोअर 5th ग्रेड स्टूडेंट टैपलो और उसके एक टीचर मिस्टर फ्रैंक के बीच, उनके बीच की जो कन्वर्सेशन है, उनके बीच की जो बातों में जो स्टोरी पता चलती है, वही इस चैप्टर में दिखाया गया है। मतलब वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और बात करते करते ही वो स्टोरी आगे बढ़ रही है। वो स्टोरी क्या है, वही इस चैप्टर में सिर्फ हमको बताया गया है। तो फ्रैंक और टैपलो बात कर रहे होते हैं दोनों। तो जो हमारा टैपलो है, छोटा बच्चा, वो फ्रैंक से, मिस्टर फ्रैंक से बात कर रहा होता है। बात करते करते क्या पता चलता है, क्योंकि अब छुट्टी हो चुकी है, कोई और स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ स्कूल में वही एक स्टूडेंट बचा है। तो उससे मिस्टर फ्रैंक पूछते हैं, यहाँ पे तुम क्यों अकेले क्यों रुके पड़े हो? तो वो बताता है कि मुझे पनिशमेंट के तौर पर एक कुछ एक्स्ट्रा वर्क मिला हुआ है जो मैं कर रहा हूँ स्कूल में। और यह पनिशमेंट किसने दी है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने। मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर। उन्होंने उस बच्चे को पनिशमेंट दी है कि उन्होंने बोला है कि तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करना है स्कूल ख़त्म होने के बाद भी। तो वो बच्चा वही काम कर रहा होता है जब मिस्टर फ्रैंक उसको देखते हैं और उससे बातें करते हैं। उससे बातें में वो कुछ बातें पता करते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में, जो उसके टीचर हैं बच्चे के, उनके बारे में कुछ बातें पता करते हैं, वही इस चैप्टर में है। तो जब ये सारी बातें हो रही होती हैं, तो जो टैपलो छोटा बच्चा है वो बताता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है ना, वो कुछ अलग टाइप के टीचर हैं। वो स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जो मेरे ख्याल से कोई भी इंसान इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता होगा। वो हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं और अदर टीचर्स की तरह, मतलब जैसे बाकी टीचर्स होते हैं, हम लोग भी अपने स्कूल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। तो जैसे बाकी टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें पेपर रिजल्ट आने से पहले ही हमारे मार्क्स बता देते हैं कि आपके इतने आए हैं, तुम्हारे इतने आए हैं, तुम्हारे इतने आए। मगर जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस थे, वो क्या करते हैं, जैसे बाकी टीचर्स हैं, ये एग्ज़ाम हुआ मान लीजिए आज के दिन, और ये टीचर मान लीजिए एग्जामिनर है, ये बाद में चेक करेगा ये एग्ज़ाम, तो ये पहले ही बता देगा, चेक कर सबको बता देगा कि हाँ तुम्हारे इतने नंबर आए, तुम्हारे इतने नंबर आए। बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्या करते थे, वो खाली रिजल्ट डे पर, ये रिजल्ट डे होता है जब आपका एक रिजल्ट आता है प्रॉपरली और आप लोग सभी वो रिजल्ट चेक करते हैं, तो रिजल्ट डे पर क्या करते हैं, वो सिर्फ उसी दिन बताते हैं कि तुम पास हुए हो, तुम्हारे इतने नंबर आए हैं, तुम्हारे इतने नहीं आए हैं। वो एक अजीब काइंड का इंसान बताते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस को। मिस्टर क्रॉकर हैरिस को अजीब काइंड का इंसान क्यों, वो कुछ इस तरीके के थे, ये आप सभी ने देखा होगा, आप सभी सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हो गए, ये कितना ज़्यादा मतलब इरिटेट हो चुके थे स्टूडेंट की पढ़ाई को लेकर। कुछ इसी टाइप से मिस्टर क्रॉकर हैरिस भी कुछ इसी टाइप के इंसान थे, जो बहुत मतलब एकदम स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर कुछ अलग ही उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। जैसे इनको आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, सभी आजकल इतने एक्टिव तो हैं ही, कुछ इसी टाइप से वो भी पढ़ाया करते थे और एकदम वो सोचते थे कि बच्चे कुछ नहीं कर रहे, बस आजकल बच्चे आशिकी में जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है कुछ। जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था वही उनका भी था। एक दिन जो हमारे टैपलो हैं, वो बोलते हैं अपने सर के पास जाते हैं, हम इसको मान लेते हैं टैपलो, ये हमारे टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जिनको यहाँ पे मेंशन करा गया है। और एक बात और है, पूरे प्ले के अंदर कहीं पर भी मिस्टर क्रॉकर हैरिस दिखे नहीं है, इनको बस सिर्फ मेंशन करा गया है। ये एक प्ले है, आप लोगों को समझने में बहुत दिक्कत आएगी बुक से,
आप लोग समरी यहाँ से समझिए, आपको बहुत ईजी पड़ेगा। तो जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो पूरे प्ले में कहीं पर भी नहीं दिखे हैं। जब इनसे बात करता है, ये हमारा छोटा बच्चा है टैपलो, वो इनसे बात करता है, वो बोलता है सर मैं स्कूल से स्कूल छोड़ने वाला हूँ या पास आउट होने वाला हूँ, तो आप एक काम कीजिए मेरे नंबर बता दीजिए प्लीज़। उस पर भी मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलते हैं कि नहीं मैं आपको आपके नंबर नहीं बताऊंगा, आप रिजल्ट डे का वेट कीजिए। तो वो बोलता है टैपलो कि अच्छा ये तो बता दीजिए मेरे कितने आए हैं लगभग, मतलब अंदाज़ा तो बता दीजिए। तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं बता सकता मैं, बट तुम्हारे उतने ही आए हैं जितने तुमने पेपर करा है, ना कम ना ज़्यादा, एकदम बैलेंस नंबर आए हैं, ना तुम्हें मैंने ज़्यादा दिया है और ना ही कम दिया है। उसके बाद फ्रैंक बताता है कि क्रॉकर हैरिस जो हैं वो स्ट्रिक्ट तो हैं मगर इतने भी नहीं कि मतलब वो अपने बच्चों से प्यार ही नहीं करते, स्टूडेंट से प्यार ही नहीं करते। तो जो मिस्टर फ्रैंक हैं, मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ क्या क्रॉकर हैरिस तुम्हें मारते भी हैं, क्या क्रॉकर हैरिस तुम्हें मारते भी हैं क्योंकि तुम लोग बच्चे हो कुछ बोल नहीं सकते। तो टैपलो उतने में बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो उन एक दो टीचरों की तरह नहीं है जो अपनी पर्सनल घर की लड़ाइयाँ या घर की खुंदक जितनी भी होती है वो लाके हम बच्चों पर निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें मारते नहीं हैं, बहुत कम अगर कभी रेयरली उनको हमसे ही गुस्सा आया तभी। कुछ होते हैं सैडिस्ट टीचर, सैडिस्ट फेस आप इस तरीके का देख सकते हैं, नो एक्सप्रेशंस और एकदम मतलब हमेशा गुस्से वाला चेहरा रहता है। आप लोगों के स्कूल में भी कोई एक टीचर होगा, हमारे भी स्कूल में ऐसे टीचर थे, हम लोगों ने देखे हैं, वो हमेशा क्या करते थे बात बात पर बच्चों को मारा करते थे। तो वो बताते हैं ऐसे नहीं है क्रॉकर हैरिस ऐसे है ही नहीं, वो बच्चों को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कभी मारते ही नहीं हैं। हाँ वो बिल्कुल एक कठोर नटशेल की तरह हैं, कठोर अखरोट की तरह हैं जो कभी भी मतलब पिघलता नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि वो बच्चों के ऊपर अपनी गुस्सा निकालें। कठोर अखरोट का एग्जाम्पल क्यों लिया है, यह आप लोग जानते होंगे, बहुत ज़्यादा टाइट होता है, ये टूटता नहीं है जल्दी से, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल लिया गया एक इंसान के तौर पर कि ऐसा है कि मतलब आप लोग समझ सकते हैं वो टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है मगर वो बिना फालतू में किसी भी बच्चे को नहीं मारता और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाता, कुछ बोलता। और इसके बाद हमारा टैपलो एक बात और बताता है, वो क्या होती है, वो बताता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैसे भी हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसके टीचर कैसे भी हैं मगर वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। पसंद इसलिए करता है क्योंकि वो उनके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, बस हाँ नो फीलिंग्स वाले इंसान हैं, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कभी वो ज़्यादा खुश नहीं होते, कभी ज़्यादा दुखी नहीं होते। और जब ऐसे बातें ही चल रही होती हैं उसी टाइम पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ मिली आ जाती हैं, जिनका नाम है मिली, इनको भी मेंशन करा गया है। ये आती हैं वहाँ पर, स्कूल की स्टोरी थी, स्कूल में हो रहा था, तो वो अपने हस्बैंड को देखने के लिए आती हैं बट उनको वहाँ पर नहीं मिलते, तो वो अपना काम भी उनसे मिस्टर मतलब जो मिली हैं ये टैपलो को एक केमिस्ट शॉप पर भेज देती हैं, केमिस्ट शॉप पर प्रिस्क्रिप्शन लेकर, प्रिस्क्रिप्शन आप लोग जानते होंगे डॉक्टर जो हमें लिख के देता है वो होता है प्रिस्क्रिप्शन, एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर भेज देती हैं केमिस्ट शॉप पर। तो मिस्टर जो फ्रैंक हैं वो क्या देखते हैं कि ये लोग ये काम तो करा ही रहे हैं, स्कूल का काम साथ ही में इस बच्चे से अपना पर्सनल काम भी करा रहे हैं। बस यहीं पर हो जाती है ये स्टोरी ख़त्म, क्योंकि ये एक प्ले है इसलिए ये स्टोरी पूरी नहीं करी गई है, पता नहीं क्यों ऐसे प्लेज हमारे साथ हमारी बुक्स में डाल दिए जाते हैं जो कि कंप्लीट ही ना हो, जो बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी बच्चों के साथ वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोगों को भी पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन हो सकें। मिलते हैं फिर एक अगली नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट होगी हमारी 11th क्लास की, उसके बाद। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।